तारीख 6 अगस्त 1945, पहला परमाणु बम, लाखों लोगों की मौत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कब कैसे में। दोस्तों इस वीडियो में एटम बम यानी परमाणु बम के आविष्कार, इसके पहले प्रयोग से लेके इसके परिणाम से जुड़ी जानकारी लाए हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। परमाणु बम बनाने की शुरुआत 1939 में हो गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय का दूसरा विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में अमेरिका को डर था कि अगर हिटलर के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिया तो हिटलर दुश्मन देशों में एटम बम से हमला करके भारी तबाही पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना कितना आवश्यक है और इसे बनाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद अमेरिका में परमाणु बम बनाने की शुरुआत हो गई। परमाणु बम का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। उनकी देखरेख में पहला एटम बम परीक्षण 16 जुलाई 1945 में अमेरिका में किया गया था। इस परीक्षण के लिए अमेरिका ने लॉस एलामोस से 200 मील दूर एलामोगोडो के रेगिस्तान के उत्तर भाग को चुना था। दुनिया के इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक परमाणु बम गिरा के हमला किया था। इस हमले में दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इन दोनों शहरों पर कहर बरपा दिया। चारों तरफ मौत का मंजर पसरा था। वक्त बीतता गया लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर दिखा। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी, न ही इसके बाद कभी दुनिया ने देखी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल कब कैसे को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।